शो को सजा कैसे हैं आप लोग, ना तो ये स्टोरी मोड है ना ही वो रैम चैलेंज। आज काफी ज्यादा शाम हो चुकी है, ये लोग मुझे पार्टी मांगने के लिए आए क्योंकि मैंने थोर का गोल्ड जीत लिया, उसी के साथ ही यहाँ पर स्पाइडरमैन भैया का हमने जीत लिया $10 मिलियन, तो उसी के साथ ये लोग पार्टी लेने आए हैं। तो फिलहाल के मैंने इसे प्लान बनाया कि शाम हो चुके तो पहले हाइड एंड सीख खेलेंगे, तो पैसे का बदला पैसा होता, कोई पार्टी नहीं होती। तो फिलहाल केवल जो भी जीतेगा उसे 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन दिए जाएंगे। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हाइड एंड सी। अरे आज तो काफी ज्यादा मजा आएगा, 10 मिलियन मैं ही जीतूंगा, किसी भी हालत में जीते पड़े मुझे 10 मिलियन चाहिए। कमेंट करके बताओ कि मैं 10 मिलियन जीतूंगा या फिर नहीं जीत पाऊंगा। तो आपके लोगों का कमेंट पर है, अरे आज तो 10 मिलियन मैं ही जीतूंगा क्योंकि आज मैं पूरे कॉन्फिडेंट में हूँ, काफी ज्यादा मजा आएगा 10 मिलियन जीतने के बाद। हम तो यहाँ पर बचे हैं, हम ऐसे 10 छोड़ देंगे, 10 मिलियन मैं जीतूंगा। अरे नहीं रे मैं जीतूंगा, तो क्या बोल रहा रे, मैं जीतूंगा 10 मिलियन। तो गाइस फिलहाल के इन लोगों का ऐसे बहस चलती रहेगी, तो फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज की हाइड एंड सीक। सबसे पहले मैं इन लोगों को ढूंढूंगा, तो ये जाकर छुप जाते हैं। सो गाइस सबसे पहले छुपने के लिए मैं जा रहा हूँ, इतना ज्यादा बड़ा घर है, मैं एकदम से इजीली छुप जाऊंगा, मुझे काफी ज्यादा जगह का पता है। उसी के साथ ही यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो गैराज का ही मतलब गेट लगा हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पर नहीं छुप सकता। उसी के साथ ही वहां पर मैं जंप भी नहीं लगा सकता, अगर मैं जंप लगा पाता तो मैं छत पर चला जाता। तो फिलहाल एक बार ट्राई करते हैं, भाई साहब मैंने तो जंप लगा दी, लेकिन इतना ज्यादा पतला रास्ता यहाँ से चला जाएगा नहीं, तो फिलहाल के मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं इजीली छुप जाऊँ। तो फिलहाल के डस्टबिन के अंदर छुपूँ या फिर नहीं, तो डस्टबिन के अंदर काफी ज्यादा बदबू आएगी, तो फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर चौक का घर तो काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए मैं चौक के घर में भी नहीं जा सकता। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर देखते कहीं पर हम जा सकते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं बेडरूम में आ चुका हूँ, बेडरूम में कहाँ छुपूँ, तो फिलहाल के यहाँ पर जहाँ पर कपड़े हैं वहीं पर छुप जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो ग्लास लगा हुआ है, इजिली दिख जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ से भागते हैं जल्दी जल्दी। उसी के साथ ही यहाँ पर ये क्या है, तो ये बाथरूम है क्या है, तो फिलहाल के लिए ये यहाँ पर बंद है। तो फिलहाल के लिए फ्रैंकली भैया ने सारे के सारे डोर बंद कर दिए हैं ताकि किसी चीज को हम छेड़े ना। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये डोर भी शायद मुझे बंद ही लग रहा है, शायद वो भी डोर बंद ही होगा। उसी के साथ यहाँ पर बेंच के नीचे छुपू या फिर मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं इजिली छुप जाऊँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं जंप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए जंप ही नहीं लग रही। उसी के साथ ही अब मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए ऊपर चलकर कहीं पर ढूंढते रास्ता, ऊपर भी काफी ज्यादा जगह है, तो फिलहाल के मुझे एक भी रास्ता नहीं मिल रहा। उसी के साथ ही इन लोगों को कहां पर छुपेंगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो फिलहाल के मैं टेबल के नीचे छुपू, लेकिन टेबल के नीचे तो मैं इजिली दिख जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो टेबल है इसके पीछे छुप जाता हूँ, तो फिलहाल के मैं इजिली यहाँ पर पीछे जाकर बैठ जाता हूँ, फिलहाल के लिए किसी को भी नहीं दिखूंगा। तो 3, 2, 1 यहाँ पर बैठ गया। सो गाइस फिलहाल के सिंचन जाकर छुप चुका, मेरी बारी है छुपने की, तो फिलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी भागते हैं और जो मेरा घर है मैं उसी के अंदर चलकर छुपता हूँ क्योंकि मेरे घर काफी ज्यादा बेहतर है इन लोगों के घर से। तो फिलहाल से यहाँ पर ही अंदर चलते और यहीं पर जाकर छुप जाते हैं, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। सो गाइस मैं यहाँ पर छुप चुका हूँ, अरे मैं अंदर आ चुका हूँ, तो फिलहाल के लिए छुपने की बारी मेरी है क्योंकि 10 मिलियन मुझे जीतने हैं। तो फिलहाल के यहाँ से पीछे तक चलते यहाँ से जंप लगाने थे, लेकिन जो जंप है सक्सेसफुल, तो फिलहाल के लिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो अपना थोड़ा बहुत पावर यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज करूंगा नहीं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी चलते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ, मैं गिर गया, दोबारा से ट्राई करते हैं क्या शायद मैं दोबारा से ऊपर जा सकूँ, अगर मैं ऊपर गया तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो दीवार है से मैं जंप लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, 3, 2, 1 और यहाँ से मैं भाई साहब मैं सोचा चला जाऊंगा लेकिन मैं गिर गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल के लिए यहाँ से दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ और फिलहाल के मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, एकदम से एक जंप लगाते और यहाँ से जंप लगाने के बाद मैं पार। तो फिलहाल के लिए एक बार दोबारा से जंप लगाते मैं दूसरी छत पर जाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं एक बार में स्पाइडरमैन का जाला बनाकर यहाँ से जंप लगा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर अपना जाला वेस्ट नहीं करूंगा। तो 3, 2, 1 और यहाँ से मैंने जंप लगाई और मैं यहाँ से बहुत पूरी तरह गिरा। तो फिलहाल के लिए यहाँ से जंप लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं और कई रास्ता ढूंढते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर तो चेयर के अंदर नहीं छुप सकता, मैं काफी ज्यादा बड़ा हूँ, उसी के साथ अगर ज्यादा देर पानी में रहा तो और भी ज्यादा बुरा रहेगा। तो फिलहाल के मैं सोच रहा हूँ घर के उस तरफ कूद जाता हूँ क्योंकि इसका घर काफी ज्यादा बड़ा और सोच भी नहीं सकता कि इस तरफ आया होगा। तो फिलहाल के यहाँ से जंप लगाते हैं और यहाँ से एकदम से धीरे से यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं बैठ गया, हम थोर है एसगार्ड के राजा। तो फिलहाल के यहाँ से जंप लगाते और यहाँ से इजीली छत पर आ गया और यहाँ से पीछे चलकर मैं बैठ जाता हूँ। तो फिलहाल के यहाँ पर काफी अच्छी जगह कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा।
और राइट गाइस, फिलहाल मुझे लगता है वो लोग छुप चुके होंगे, इसके साथ ही अब मेरे इतना ज्यादा बड़ा घर है कि मैं काफी ज्यादा टाइम लगे उन्हें ढूंढने के लिए। तो फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ से जल्दी जल्दी अंदर की तरफ चलते और जितना भी हो सके सभी को ढूंढना है। तो फिलहाल के मुझे लगता है चोप अपने घर में हो, क्योंकि चोप इतना ज्यादा बेवकूफ बनता है कि इजिली अपने घर में छुपेगा, इतना ज्यादा मतलब आलसी बनता है। तो फिलहाल के शायद चोप घर में अंदर ही होगा, उसी के साथ ही पानी के अंदर भी मैं चेक कर लेता हूँ कोई है तो नहीं। तो फिलहाल के पानी के अंदर कोई भी नहीं है, तो मैं जब लगा कोई होगा तो फिलहाल के लिए यहाँ पर चोप को भी देखते उसके घर में है या फिर नहीं। तो फिलहाल के ये रहा भाई चोप, चोप मिल चुका उसके साथ ही, सबसे पहले हमें चोप मिला। तो उसी के साथ ही और बंदे को ढूंढते जल्दी से जल्दी। अरे मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं चोप कितना ज्यादा पागल है, यहाँ पर हमने देख लिया उसी के साथ फिर भी ये कह रहा है। तो फिलहाल के अब अगली बारी किसे ढूंढने की है, तो फिलहाल कोई भी मिल जाए हमें कोई लेना देना नहीं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और जब दूसरी तरफ मेरे कमरे से यहाँ पर जितनी डोर से मैंने सारे के सारे बंद कर दिए हैं, तो फिलहाल के मुझे पता था ये लोग ज्यादा कमरे होंगे तो फिलहाल के मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो फिलहाल के यहाँ से मैंने सारे सारे डोर लॉस कर दिए, तो फिलहाल के अब ऊपर चढ़कर ढूंढते हैं। तो फिलहाल के ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ, उसी के साथ ही कौन कहाँ पर होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो फिलहाल के लिए कोई चेयर के नीचे तो नहीं, फिलहाल के यहाँ पर एक ग्लास है उसी के साथ ही। भाई साहब यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे के सारे बंदे कहाँ गए, नीचे नहीं है ऊपर नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर टेबल के पास भी नहीं है, उसी के साथ ही उधर भी कोई भी नहीं है। तो फिलहाल के कोई टीवी भी नहीं देख रहा, और यहाँ पर जो टेबल है वो भी एकदम नीचे से खाली है, और यहाँ पर चेयर है वो भी एकदम खाली है। और फिलहाल के मुझे सिंचन दिख गया भाई, तो भाई बेटा सिंचन निकल बाहर। तो फिलहाल के मुझे सिंचन दिख चुका हूँ उसी के साथ है, यहाँ से जब सिंचन भी हमें मिल चुका, चोप और सिंचन दोनों के दोनों मिल चुके हैं। अब देखते हैं अगली बारी हमें कौन मिलता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इनको लोगों को यहीं पर बैठे रहने देते हैं, क्योंकि ढूंढना हमें है। तो फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जंप लगाता हूँ मैं, उसी के साथ ही और कौन कहाँ पर मुझे मिलेगा। तो फिलहाल के अब स्पाइडरमैन भैया रह गए, उसी के साथ है थोर भैया रह गए, तो फिलहाल के उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल के मुझे लगता है थोर छत पर होगा, क्योंकि थोर को अपने पावर्स दिखाने में 1 मिनट भी कम नहीं लगा था। फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं उसी के साथ, यहाँ पर एक और एरिया यहाँ पर छुप सकता था लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से जंप लगाते हैं, और फिलहाल के छत मुझे एकदम से खाली लग रही है, मुझे लगा कोई भी नहीं है। तो फिलहाल के यहाँ से मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा दोबारा से, तो फिलहाल के जो मेरी गाड़ी है उसे मैं पीछे लेकर आता हूँ, उसकी मदद से मैं एकदम से छत को टाप सकता हूँ। तो फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और पीछे की तरफ लेकर चलते हैं, ताकि मैं छत पर चढ़ सकूँ, एकदम से पूरी छत देख कर आ सकूँ। शायद हमारे ऊपर स्पाइडरमैन भैया भी मिल जाए, क्योंकि स्पाइडरमैन भाई भी और यहाँ पर मेरा मुंह लगा। तो फिलहाल स्पाइडरमैन ऊपर मिलेगा काफी ज्यादा बेहतर, हमें स्पाइडरमैन थोर दोनों को ढूंढना है। फिलहाल के यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं, कोई भी मिल जाए काफी ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है मैं इस गाड़ी की मदद से ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको एकदम दीवार के मतलब चिपका कर लगा जाए, और ताकि मैं दीवार पर इजीली चढ़ सकूं और उसके बाद मैं छत पर जा सकूं। तो फिलहाल के जो हमारा एक प्लान था वो फेल हो चुका, उसी के साथ ही जो दूसरा वो भी जल्दी से जल्दी हमें ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा घर है, अगर नहीं मिले तो भाई साहब पार्टी भी देनी पड़ेगी और 10 मिलियन भी। तो फिलहाल यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं उसी के साथ ही, यहाँ पर फिलहाल के जंप लगाता हूँ यहाँ पर। फिलहाल के मैंने जंप लगा दिया, उसी के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा पतला रास्ता है, और यहाँ से मुझे यहाँ से एकदम धीरे से चलना पड़ेगा। तो एकदम मैं धीरे से करते हुए यहाँ पर आ चुका हूँ, उसी के साथ यहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो फिलहाल के मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई होगा भी नहीं, तो फिलहाल के यहाँ पर देखते हैं भाई कौन है। यहाँ पर काफी ज्यादा शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी होगा। तो मैं थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई नीचे की तरफ बैठा हुआ देख जाता। फिलहाल के यहाँ पर तो छत पर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगा यहाँ पर स्पाइडरमैन पर थोर कोई भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा पावर्स है। फिलहाल के यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो फिलहाल के नीचे की तरफ देखते भाई साहब, नीचे तरफ तो काफी ज्यादा डर लग रहा है नीचे तरफ जाने में। तो फिलहाल भाई वो रहा थोर भैया, तो फिलहाल के लिए वो रहा थोर, तो थोर भी हमें मिल चुका है। अरे थोर भैया यहाँ पर पावर्स भी दो, ताकि हम अपनी तुम्हारी पावर्स यूज कर सके। तो गाइस फिलहाल के मुझे थोर ने अपनी पावर्स दे दी सिर्फ जंप लगाने की, और किसी चीज की पावर नहीं दी। तो फिलहाल के यहाँ पर जो जंप है वो भी काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो फिलहाल के यहाँ से मैं गिर गया, और काफी ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे, और यहाँ से गिरने के बाद काफी ज्यादा बकवास भाई सब, काफी ज्यादा दर्द हो रहा। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी जंप लगाते हैं, अपने छत पर चलते हैं। उसी के साथ थोड़ा बहुत मुझे कंट्रोलिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इतने ज्यादा ऊंची जंप में कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो फिलहाल के दोबारा से जंप लगाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो जंप कितने ज्यादा खतरनाक लगाई है मैंने। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर दोबारा छत पर चलते हैं, और यहाँ पर जो जहाँ पर हमें मिला वहीं पर बैठा रहेगा तब तक सबको ना ढूंढ ले। तो फिलहाल के यहाँ पर जंप लगाने का काफी ज्यादा मजा आ रहा है, उसी के साथ यहाँ पर से मैं दोबारा गिर गया। तो फिलहाल के भाई काफी, और भाई साहब भाई यहाँ पर मुझे किसी के भाई दिख गया, स्पाइडरमैन भी हमें दिख चुका उसी के साथ ही, जो इसके क्या कहते हैं इसे केकड़े वाले पर या फिर केकड़े वाले पैर। तो फिलहाल के वो दिख चुके हैं, उससे साथ ही हमें स्पाइडरमैन भी मिल चुका। तो फिलहाल के ऐसे जल्दी जल्दी बाहर चलते हैं, और इन लोगों को भी बाहर बुलाते हैं, क्योंकि 10 मिलियन लेने हैं, तो शुरू करते हैं। तो आज फिर हम इनका पैसा जीत चुके हैं।
आज करें मतलब रैम चैलेंज भी आज कई हाइड एंड सी हम जीत चुके हैं। उसके साथ 2.5 मिलियन ये देगा, 2.5 ये देगा, 2.5 ये देगा और 2.5 ये देगा। तो फिलहाल के 2.5 मिलियन सारे इकट्ठा करो, 10 मिलियन हो जाए मेरे पास ले आओ। तो फिलहाल के आज के वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिल जाए। अब टॉपिक चेंज होंगे और वीडियोस में मजा आएगा। तो आज के इसी तरह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको रैम चैलेंज देखना पसंद है तो वो भी आएंगे, उसके साथ GTA 5 की स्टोरी मोड भी चलती रहेगी। उसी के साथ ही अपना जो फेवरेट गेम वो भी कमेंट करो ताकि आपको पोस्ट के भी गेम प्ले मिलते रहेंगे। तो आज के इसी तरह मिलते हैं किसी और वीडियो में।